लिखो तो लिखो, मैं चाहता हूं कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योग के द्वारा दी जाए का आशय स्पष्ट करें। उत्तर लिखो। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से गांधी जी ऐसी शिक्षा की बात करते हैं जिसमें मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास हो बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा उपयोगी दस्तकारी से शुरू की जाए यह शिक्षा यांत्रिक ढंग से न सिखाकर वैज्ञानिक ढंग से सिखाई जाए। तात्पर्य यह है कि ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिससे रोजगार प्राप्त हो। व्यवहारिक ज्ञान मिले। लोगों में आत्मनिर्भरता हो। प्रश्न अगला लिखिए। अगला प्रश्न है, इस समय भारत में शुद्ध
आर्य संस्कृति जैसी कोई चीज नहीं है, का व्याख्या करें, उत्तर लिखो। उत्तर में लिखना है प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से, गांधी जी ने आर्य संस्कृति सभ्यता की, विशेषता को ध्यान में रखा है, उनका मत है, कि आर्य हमारे पूर्वज महान थे, दूसरी की संस्कृति वालों से, आसानी से घुल मिल गए, कोई भी संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती है। अगर यह संस्कृति दूसरे का बहिष्कार करे, वैसे तो हमारी संस्कृति यार ये जो है पुरानी और शुद्ध है, क्योंकि इस पर विदेशी संस्कृति का प्रभाव नहीं है,